हेलो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स प्रोसीड विद द टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। टिल नाउ वी हैव वेंट थ्रू फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, दैट इज चार्जेस आर एडेड लाइक स्केलर्स। एंड सेकंड प्रॉपर्टी इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। ये दो प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है पिछले वीडियोस में। अब तीसरी प्रॉपर्टी, ये लास्ट प्रॉपर्टी है चार्ज की। वी हैव थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, जिनमें से दो डिस्कस हो गया, तीसरा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब यहाँ पे एक नया टर्म आपके लिए है, क्वांटाइजेशन। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आप जान चुके हैं, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है? देखिए, क्वांटाइजेशन, ये कुछ कॉमन टर्म्स हैं जो अब बहुत फ्रिक्वेंटली आपके सामने आने वाले हैं। तो इसकी मीनिंग को पहले, जो सिंपलेस्ट मीनिंग है उसको बहुत क्लियर करिए। जब हम कोई चीज़ कहते हैं क्वांटाइज्ड है, इसका मतलब है कि वह वस्तु टुकड़ों में एग्जिस्ट करती है। कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, बट इट इज़ मेड अप ऑफ सम टाइनी इनडिविजिबल पार्टिकल्स। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट यदि छोटे छोटे कणों से मिल के बना हो, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिल के बना हो, और वह छोटा पार्टिकल फर्दर इनडिविजिबल हो, टुकड़ों में ना बंट सके, उस छोटे पार्टिकल को हम क्वांटम कहते हैं या क्वांटा कहते हैं। और क्वांटाइजेशन हम इसी फेनोमेना कह सकते हो, या इसी कॉन्सेप्ट को हम क्वांटाइजेशन कहते हैं। तो अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये है कि कोई भी मैक्रोस्कोपिक चार्ज, क्योंकि चार्ज माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी एग्जिस्ट करते हैं, आप जानते हैं। थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए, चार्ज हमने कहा किसको है? मटेरियल पार्टिकल से एसोसिएटेड प्रॉपर्टी को हम लोगों ने चार्ज कहा है। अब अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा पार्टिकल है और वो एक चार्ज पार्टिकल है। प्रोटॉन भी बहुत छोटा पार्टिकल है और वो भी एक चार्ज पार्टिकल है। मगर इसी तरह से कुछ बड़े पार्टिकल्स भी होते हैं जो चार्ज्ड होते हैं, मैक्रोस्कोपिक। यू नो, यू मस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ थ्री टर्म्स फर्स्ट: मैक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक एंड मीजोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक मीन्स विच इज़ लार्जर इन साइज, माइक्रोस्कोपिक मीन्स विच इज स्मॉलर इन साइज, वेरी स्मॉल इन फैक्ट, एंड मीजोस्कोपिक इज समथिंग इन बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रोस्कोपिक। तो ये जो क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टी है चार्ज की, सिंपल सी प्रॉपर्टी ये कहती है कि कोई भी बड़ा चार्ज्ड पार्टिकल है, मैक्रोस्कोपिक चार्ज है, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, तो उस पर जो चार्ज एग्जिस्ट करता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में ही एग्जिस्ट करता है। तो इसीलिए इसे हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, या डिस्क्रीटाइजेशन ऑफ चार्जेस भी कह सकते हैं। डिस्क्रीट पार्टिकल्स के फॉर्म में चार्ज, या डिस्क्रीट प्रॉपर्टी होती है चार्ज, ये हम कह सकते हैं। अब इसको फर्दर हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो देखो बच्चों, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब अब क्या है, स्टेटमेंट क्या है, पहले ये हम लोग लिख लें और उस स्टेटमेंट को फिर हम एलोबरेट और एक्सप्लेन कर देंगे, बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो एनी मैक्रोस्कोपिक चार्ज that exist in nature is an integral multiple of electronic charge or एलिमेंट्री चार्ज।
अब देखिए इसी बात को मैथमेटिकली कैसे लिखा जा सकता है। पहले इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं हम लोग। क्या कह रहा है स्टेटमेंट? कोई भी मैक्रोस्कोपिक चार्ज यानी बड़ा चार्ज जो नेचर में एग्जिस्ट करता है, वह चार्ज, मैक्रोस्कोपिक चार्ज, इंटीग्रल मल्टीपल होता है। यानी इंटीग्रल मल्टीपल माने इंटीजर टाइम्स होगा। इंटीग्रल मीन्स इंटीजर, यहाँ इंटीजर, इंटीजर को इंटीग्रल कहा गया है। मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या है या एलिमेंट्री चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कहते हैं या एलिमेंट्री चार्ज भी कहते हैं, क्योंकि ये चार्ज सबसे छोटा होता है। एलिमेंट्री मीन्स समथिंग विच इज़ वेरी बेसिक, वेरी फंडामेंटल, स्मॉलेस्ट वन, तो एलिमेंट्री चार्ज भी कहते हैं। अब इसी बात को, चूंकि यहाँ देखिए इंटीग्रल मल्टीपल कहा जा रहा है, जहाँ पे भी थोड़ी सी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होती है या हम कहें कि हम मैथमेटिक्स को इन्वॉल्व ही करते हैं किसी फिजिकल सिचुएशन को बहुत प्रिसाइसली एक्सप्रेस करने के लिए, बहुत प्रिसाइस और एग्जैक्टनेस के साथ अगर हमें किसी फिजिकल सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना हो तो मैथमेटिक्स इज़ द बेस्ट टूल। इनफैक्ट इस पे मैं कुछ मैथमेटिक्स की क्लास में भी डिस्कस करूँगा कि मैथमेटिक्स बेसिकली क्या होता है। वहाँ पे मैं बताऊँगा आपको कि मैथमेटिक्स तो लैंग्वेज ही है फिजिकल सिचुएशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, और यही मैथमेटिक्स की यूटिलिटी है। तो अब इस पूरे स्टेटमेंट को जो हमने इंग्लिश में लिखा है, अगर इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में इक्वेशन के फॉर्म में लिखें तो बड़े सिंपल तरीके से आप देखिए कैसे लिखा जा सकता है। मैथमेटिकली दिस प्रॉपर्टी कैन बी रिटन एज क्यू इज इक्वल टू एन ई। क्यू इज दी मैक्रोस्कोपिक चार्ज दैट एग्जिस्ट इन नेचर, एन इज द इंटीजर एंड ई इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ये तीनों बातें यहाँ पे एक सिंपल से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में हमारे सामने आ गई। अब देखिए सी द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिकल लैंग्वेज। अब यहाँ पे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो लिखनी है वो आप क्या लिखेंगे? एन इंटीजर होगा। इंटीजर क्या होता है? प्लस माइनस वन या जीरो भी होता है, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री, सो ऑन सो। और ई क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। और क्यू क्या है? मैक्रोस्कोपिक चार्ज। तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में यदि हम देखें तो ये छोटा सा स्टेटमेंट इस पूरी बात को बिल्कुल परफेक्टली एक्सप्रेस करता है। सो ऑलवेज रिमेंबर, देखो फिजिक्स को ठीक से समझने के लिए मैथमेटिकल एप्टीट्यूड आपका स्ट्रांग होना चाहिए। और एक बात बिल्कुल फिक्स कर लीजिए कि मैथमेटिक्स एक टूल है, एक लैंग्वेज है, और वो लैंग्वेज है जिसमें आप किसी भी फिजिकल सिचुएशन को बिल्कुल एग्जैक्टनेस के साथ एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इस एग्जैक्टनेस को अटेन करने के लिए आपको मैथमेटिक्स में स्पेशल इंटरेस्ट रखना ही होगा, और मैथमेटिक्स पैरेलली चलेगी। और मोस्ट ऑफ द मैथमेटिक्स हैज़ बीन इवॉल्व्ड फॉर सॉल्विंग दी प्रॉब्लम्स रिलेटेड विथ फिजिक्स एंड टू एक्सप्रेस दी फिजिकल सिचुएशंस। एक छोटे एग्जाम्पल से आप यहाँ बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। ये क्यू इज इक्वल टू एनी, एन बिलोंग्स टू इंटीजर, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री, और जीरो ऑल्सो इट कैन बी, एंड ई इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको अगर हम एक पिक्चर बना के चाहें तो समझ सकते हैं कि ये कोई बड़ा चार्ज है, मान लीजिए चार्ज बॉडी है क्यू, इसके ऊपर टोटल पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। तो इस चार्ज को अगर हम डिवाइड करना शुरू करें, क्यू बाई टू, क्यू बाई टू, फिर डिवाइड किया क्यू बाई फोर, क्यू बाई फोर, ठीक है, चार भाग में बट के बराबर, बराबर बराबर, चार बराबर भाग में। ऐसे अगर हम इसको एन पार्ट्स में डिवाइड करें और ये एक पार्ट जो हमें मिलेगा ये अगर क्यू बाई एन है और फर्दर ये वाला पार्ट डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर होगा। यही ये स्टेटमेंट बताता है।
क्यू इज इक्वल टू एनी, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यही स्टेटमेंट हमें मिल जाता है. सो दिस वे ऑल्सो यू कैन अंडरस्टैंड. सो दिस इज ऑल अबाउट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज का टुकड़ों में एग्जिस्ट करना, इसको हम क्वांटाइजेशन कहते हैं. इसी के साथ इलेक्ट्रिक चार्जेस की तीनों प्रॉपर्टीज़ पे डिस्कशन ख़त्म होता है. ये इतना थियोरेटिकल डिस्कशन है. अब इससे रिलेटेड अगले वीडियो में हम लोग कुछ एक एग्जांपल्स देखेंगे. एनसीईआरटी में एक दो एग्जांपल्स अच्छे दिए हुए हैं, और अगर कोई इंटरेस्टेड हो इससे रिलेटेड, कोई न्यूमेरिकल हो किसी के पास, किसी भी सोर्स से हो, आप उस क्वेश्चन को हमसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में जाके. एंड आई विल एड्रेस योर डाउट्स एंड आंसर योर क्वेश्चंस आल्सो. So thank you for this video. See you in the next one.